मैं कहता हूं भारत का अगर विकास करना है तो पूर्वी हिंदुस्तान के विकास के बिना भारत विकसित नहीं हो सकता। हिंदुस्तान तब आगे बढ़ेगा जब हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश, हमारा आसाम, हमारा उड़ीसा, ये भूभाग हिंदुस्तान का ये ताकतवर बनना चाहिए। ओडिशा रे भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत योजनार मूल दुआ प्रधानमंत्री पूर्वोदय विकास परिकल्पना रे आउ पादे आगकु बढ़िला आईओसीएल पेट्रोकेमिकल्स हब हेबो पारादीप। पारादीप रे उद्घाटन हेला प्रोडक्ट आप्लिकेशन एवं डेवलपमेंट सेंटर पीएडीसी वर्चुअल प्लेटफॉर्म माध्यम रे उद्घाटन करिछंती मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और केन्द्र पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। 43 कोटि मूल्यर एही प्रकल्प देशर षष्ठ और पूर्व भारतर द्वितीय प्रकल्प जेउठी पॉलीमर और प्लास्टिक क्षेत्र में उच्चस्तरीय गवेषणा सह प्लास्टिक उद्योगी को मार्गदर्शन देव पीएडीसी। एथिरे सहयोग पाई ओडिशा सरकार को धन्यवाद देछंती केन्द्र पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल्स क्षेत्र में ओडिशा अग्रणी राज्य हेबो बोली कहिछंती केन्द्र मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। एहाद्वारा राज्य शिल्पोद्योगी को सुजोग मिलिबा सह युवक मानंक पई रोजगार सृष्टि हेबो बोली कहिछंती केन्द्र मंत्री। सेहिपरि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक कहिछंती पारादीप पीएडीसी राज्य रे प्लास्टिक एवं पॉलीमर उद्योगी को पई बड़ सुजोग आनिछि। भद्रक रो टेक्सटाइल पार्क रो विकास लागि एहा विशेष सहायक हेबो। केवल एतिकि नुहे पॉलीमर आधारित शिल्प को एहा सुजोग देबो। IOCL is the anchor for the plastic and petrochemicals based industries in Odisha. It should play a proactive role in providing infrastructure, raw material support and technology support to entrepreneurs who wish to set up their units in the region. The expansion of the Paradeep refinery must take into account the requirement of raw material, feedstock and building blocks for the development of polymer and petrochemical industry. Petroleum, petrochemical, ताँस आनुषंगिक एनसिलरि क्षेत्र को ओडिशा एक अग्रणी राज्य भाव गढ़ तोलिबा आज से दृष्टि ये जातीय स्तर अंतर्जातीय स्तर डेवलपमेंट सेंटर गोटे बड़ सहायक हम ये पिला आसबे। माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पाखे कृतज्ञता ज्ञापन करुच्चे प्रगतिर प्रयोगशाला से जो कथा कही चार्ष ते पारादीप पारादीप को लोकार्पण कला रिफाइनरी को ये केवल स्लोगान ना ये दायित्व था परवर्ती अवस्था रे पॉलीप्लॉक प्रोप्लीन कारखाना तैयारी करके आज ये डेवलपमेंट सेंटर को करके इडको रे पार्टनरशिप नहीं कि भद्रक रे कारखाना को लगे कि ओडिशा रे आपन दायित्व को पूरा कर धन्यवाद पुनर्वार मु माननीय मुख्यमंत्री को अशेष अशेष धन्यवाद जनाउछि। पेट्रोकेमिकल्स हब हेबो पारादीप पीएडीसी विभिन्न प्रकार रो पॉलीमर रो व्यवहार टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में व्यवहार होता प्लास्टिक गवेषणा करा जिबो। आगामी दिन में भद्रक और धामरा रे टेक्सटाइल और डाउनस्ट्रीम यूनिट पाई पॉलिस्टर सूता और कपड़ा पाई पीएडीसी वैषयिक केन्द्र भाव कार्य करिबो। केवल एतिकि नुहे एही अनुष्ठान आईसीटी सीआईपीटी एवं एनसीएल भली अनुष्ठान को सहयोग करिबो। एहा द्वारा पूर्व भारत रे पॉलीमर शिल्पर विकास को प्रोत्साहन मिलिबो। At the outset, I express my gratitude to the Honorable Union Minister and to the Honorable Chief Minister of Odisha for inaugurating the state-of-art product application and development center at Paradeep. It was on 7 February 2016 that Honorable Prime Minister Narendra Modi ji dedicated Paradeep refinery in the service of the nation. He had announced that Paradeep will now become the Vikas Dweep, the island of development for the people of Odisha. The commissioning of polypropylene unit strengthen that commitment of Indian Oil to energize the industrial growth in the region. Along with the PP unit, other petrochemical projects are also being set up at Paradeep that will create a petrochemical hub in the region and support plastic processing industry. PSDC द्वारा राज्य रे पॉलीमर भित्तिभूमि ओ उत्पादन क्षेत्र रे बड़ सुजोग सृष्टि हेबो। 5 एकर जमि रे 3334 वर्ग मीटर विशिष्ट PADC रे अंतरजातीय स्तर रो गवेषणा केंद्र करा जाई छी जेउठी चारोटी लैबोरेटरी रहिची। ब्यूरो रिपोर्ट द ऑर्गस.इन।